हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू गेम प्ले वीडियो। सो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं इंडियन हैवी ड्राइवर। सो गाइस, फाइनली इसका एक और धासु अपडेट आ चुका है और आज हम अपनी वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में बोलना पड़ा है, आप लोग करते नहीं हो तो जाके फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, हमें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, आप लोगों से पता ही है अभी रिसेंटली इसके अंदर एक बहुत ही तगड़ा अपडेट आया था जिसके अंदर ये जेट पैक ऐड हुआ था। जेट पैक गाइस, आप लोगों को पता है बहुत पसंद आया था, आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करा होगा जेट पैक। मतलब जेट पैक कोई नॉर्मल चीट कोड भी नहीं है, नॉर्मली आपको फोन में क्लिक करना है, जेट पैक लेकर फुल मज़े करने हैं। जेट पैक का अपडेट बहुत तगड़ा था। इससे पहले इसके अंदर दो तीन चीज़ें और अपडेट हुई थी, एक ट्रैक्टर, एक ओमनी वैन एंड एक डीजे ट्रक, डीजे मतलब थार। सो गाइस, अगर आप लोगों उसका आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पे है, उससे वीडियो पहले से चेकआउट कर लो और उन तीनों को चीट कोड मैंने उसमें बता रखे है। तो गाइस, आज की वीडियो में सबसे स्पेशल वीडियो इसलिए होने वाली है क्योंकि गाइस आज आपको पता है इस वीडियो में एक बहुत ही कमाल की चीज़ अपडेट होने वाली है जिसके मैं आपको बताने वाला हूँ। वो है गाइस दूल्हे राजा की कार। मीन्स गाइस, जो वेडिंग कार्स होती है, जो सजी होती है फूल से, लाइक दैट काइंड ऑफ कार इस गेम में ऐड होने वाली है, जिसके अंदर जिस कार को पूरा फूल से डेकोरेट कर रखा होगा और मतलब जो कि दिखने में बहुत ही कूल लगेगा, उसका नाम दूल्हे राजा की कार है। क्योंकि गाइस इस गेम में ज़्यादातर गाड़ियों का नाम थोड़ा हिंदी वर्जन में है, जिसके उसका नाम इसलिए रखा गया है। और वो कार अभी आपको मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, तो गाइस उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताना उसके लिए आंसर। सो गाइस, अभी आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हो गाइस उस कार की पिक्चर्स। गाइस इस कार को बनाने का बहुत ही अच्छा मोटिव मुझे समझ नहीं आया क्योंकि इस गेम में ऐसा कुछ मोटिव लगा नहीं, क्योंकि पहले से बैंड बाजा इसे बहुत कुछ भर रखा है। ऊपर से इस कार को बनाने का मुझे मोटिव कुछ ज़्यादा बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि इस कार के ऊपर इतने सारे फूल से डेकोरेट करना कहाँ की समझदारी थी, बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आया। सो गाइस, जितने भी सारे देख पाओगे गाइस, आप लोग इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। एक और इससे अच्छी चीज़ है वो तो गाइस आपको पहले ही पता कि इसके पहले बहुत अपडेट आ चुका था, तो आप वही सेम अपडेट आप इसे भी अप्लाई कर सकते हो जिससे आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। मीन्स आपके हिसाब से आप गाड़ियों के अंदर फूल एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो और कम भी ऐड कर सकते हो। नॉर्मल एक क्रेटा कार है, उसके अंदर ये सारी फूल ऐड कर जाएंगे, मतलब बिल्कुल गाड़ी को अच्छे डेकोरेट करा जाएगा ताकि गाड़ी बहुत ही अच्छी लगे और आप लोगों को मज़ा आए। सो गाइस, ये सारी पिक्चर्स आप देख सकते हो। भाई जो पिक्चर्स है गाइस, अब आप लोग एक कमेंट में जाकर ये बताओ गाइस, क्या आपको लगता है इस गेम में कार आनी चाहिए थी और क्या आपको कार इतनी अच्छी लगी है। मतलब भाई मेरे को तो अपना ओपिनियन बताओ, मेरे को ये कार इतनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मतलब इसका कोई लाने का भी मोटिव था ही नहीं, मैं बता दूँ साफ साफ सीधी बात है। इसकी जगह ऐसा क्रिएटर कोई अच्छी मतलब सुपर कार या फिर सुपर बाइक रहता ज़्यादा मज़ा आता। सो गाइस, आप लोग अपने कमेंट में सेक्शन में जरूर बताओ कि गाइस आप लोगों को ये कार पसंद आई या फिर नहीं। भाई मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। और हाँ गाइस, इसका अपडेट मतलब कल परसों में आ जाएगा, आज या फिर कल परसों में आ जाएगा, इतना गारंटेड है। तो गाइस उसके बाद आप लोग बताना कमेंट में कि गाइस ये कार आपको अच्छी लगी या फिर नहीं लगी। भाई मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल दैट, गुड बाय।